हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने RACIT का चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूं, जो कि यह चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। दोस्तों, अगर आपको मेरे इस वीडियो का अगर आपको और अच्छे से समझना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ब्लॉग पेज का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर भी मेरे इस वीडियो के बारे में और जानकारी जुटा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3। अब आता है चैप्टर नंबर 3 के अंदर टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी बता चुका हूं, बट आप इसके अंदर से जो महत्वपूर्ण लाइनें होती है वो आप अच्छे से और समझ लें। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। कौन करवाता है इंटरफेस प्रोवाइड? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम को यह मैनेज भी करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही हमारा कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो चलता है, वो जो रन होता है, वो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होता है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी डिवाइस जैसे कि कोई भी हार्डवेयर आपका वर्क नहीं करेगा। अब आता है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स और यूनिक्स, ये सभी हमारे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अब जो आते हैं, आप इनकी इमेजेस देख सकते हैं, इनके लोगोस देख सकते हैं, मैंने आपको इसके अंदर इंक्लूड किया है। फिर आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण। तो मोबाइल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं, एंड्रॉयड होता है, विंडोज होता है, iOS होता है, सिम्बिन होता है। विंडोज भी, विंडोज मोबाइल भी आए थे, जो कि एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत भी यह आते हैं। तो आपको इनके लोगोस के जरिए आपको इनको ध्यान रखना है। ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर सिस्टम की लेयर। तो कंप्यूटर सिस्टम की 3 लेयर होती है, जिसमें सबसे पहला आता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी और CPU, ये सभी हमारे हार्डवेयर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है हार्डवेयर के बारे में। इनपुट आउटपुट कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मेन मेमोरी, रैम, रोम, ये सभी हमारे जो होते हैं वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। फिर आता है सेकंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट कंट्रोल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सभी तरह के वर्क ये हमारा करता है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो ये यूजर की जरूरतों के उपयोग में लाया जाता है, मतलब जिस यूजर को जो भी नीड है उस हिसाब से ये अपने सिस्टम के अंदर अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है। तो ये हमारी कंप्यूटर सिस्टम की 3 लेयर है, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको इसमें ये देखना है कि कंप्यूटर की लेयर जो होती है वह कितनी होती है और ये कौन कौन सी होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब टॉपिक आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको इसके फुल फॉर्म को याद रखना है और ये समझना है कि यूजर को ग्राफिक आइकन का प्रयोग करके अगर कोई भी सॉफ्टवेयर को वो आसानी से स्टार्ट कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, वह सभी हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर आपको विंडोज के वर्जन, लिनक्स और यूनिक्स, ये सभी हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। आपको इसकी इमेज देख सकते हैं, ये फोटोशॉप का आइकन है, विंडोज का आइकन है, जिनको आपको खाली क्लिक करना पड़ता है और इसका जो भी सॉफ्टवेयर होता है वह स्टार्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं विंडोज 10 में पर्सनल कंप्यूटर का एक नवीनतम वर्जन है, मतलब विंडोज 10 का जो एक लेटेस्ट वर्जन है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और इसकी जो लॉन्चिंग जो डेट है वह 29 जुलाई 2015 को रिलीज किया गया है। ये यानी 29 जुलाई 2015 को ये रिलीज किया गया है विंडोज 10। फिर बात करते हैं, आप और भी आइकन देख सकते हैं, ये जैसे ये आइकन्स भी हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं ताकि आप इनको समझ कर, जैसे अब टेलीफोन का जो आइकन है उस पर आप देख सकते हैं, ये हमारी कॉलिंग वगैरह के काम में आता है। टेक्स्ट मैसेज का जो आइकन होता है, हम उसको मैसेज वगैरह के काम में आते हैं। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि आपको एक तरीके से इमेज शो करा कर आपको पहले ही अवगत करा देता है कि आप क्या चलाने जा रहे हैं। फिर उसके बारे में बात करते हैं, नया बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पुराने जो वर्जन है वो है विंडोज, अभी जो लेटेस्ट है विंडोज 10 है, उससे पहले विंडोज 8, 8.1, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज XP, ये सभी जो है आप देख रहे हैं, ये सभी हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के वर्जन है। आपको इनको देख लेना है क्योंकि ये को आपको आने चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आता है विंडोज 10 के बारे में, जो विंडोज 10 के अंदर फीचर्स ऐड किए गए हैं उनको हम बारी बारी करके समझेंगे।
जिसमें कि सबसे पहला आता है कंप्यूटर को बूट करना क्या होता है। आप इमेज में देख सकते हैं कंप्यूटर को शुरू करना और स्टार्ट करने को ही हम बूटिंग कहलाते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, आप यहां से स्टार्ट मेन्यू पर जाकर आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन और रीस्टार्ट वगैरह आप जो करते हैं उसको हम कहते हैं कंप्यूटर को बूट करना। फिर आता है सेकेंड पॉइंट डेस्कटॉप एरिया। तो कंप्यूटर में जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमारे को शो होता है उसे हम डेस्कटॉप एरिया कहते हैं, जिसके ऊपर हमारे आइकन्स वगैरह मौजूद रहते हैं। आप इसकी इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर काफी सारे आइकन्स हैं। तो और जो लाल कलर की जो आपको स्क्रीन दिख रही है जिसको हम कहते हैं डेस्कटॉप एरिया। अब आता है टास्क बार के बारे में। यूजर इंटरफेस की स्क्रीन के नीचे की ओर दिखाई देने वाली बार को हम टास्क बार कहते हैं, जिसके ऊपर आप अपने कंप्यूटर में जो भी वर्क आप कर रहे होंगे वो सभी को यह है होल्ड करके पिन करके रखता है। आप इमेज में देख सकते हैं सबसे कंप्यूटर के नीचे वाली बार जिसके ऊपर टाइम वगैरह भी शो होता है, इसे हम टास्क बार बोलते हैं। फिर बात करते हैं आइकन की, तो आप आइकन का डायग्राम देख सकते हैं जो हमने शो करा है। ये सभी हमारे एक छोटी पिक्चर की तरह आइकन होते हैं जिसको आप खाली आपको क्लिक कर आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो ये एक छोटी पिक्चर जो एक प्रोग्राम और फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है, उसको हम आइकन बोलते हैं। फिर बात करते हैं सिस्टम ट्रे की, तो सिस्टम ट्रे हमारे बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं प्रोग्राम को आप इमेज में देख सकते हैं उसको ये होल्ड करके रखती है, जिसे हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। जो कि हमारे सबसे टास्क बार जो होती है वहां पर हमारे वॉच होती है उसके पास में ही आइकन होता है हमारा, वहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर अभी रन हो रहे हैं। तो वह आपको जानकारी जिसकी देगी उसको कहते हैं सिस्टम ट्रे। अब आता है पॉइंट नंबर 6 क्विक लॉन्च आइकन। तो क्विक लॉन्च आइकन ये होते हैं कि अगर आप हमारे को वैसे तो कोई भी कंप्यूटर में आइकन नहीं दिखते हैं, बट हम अगर हम कर्सर को मूव कराएंगे उसके ऊपर तो वहां पर एक बैब आएगा कि आपका क्विक लॉन्च आइकन जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो ये हमारा क्विक लॉन्च आइकन होता है। शॉर्टकट आइकन हमारा वो होता है जो किसी भी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करता है, तो वह है हमारा क्या होता है शॉर्टकट आइकन, जिसको भी आप अपनी इमेज में देख सकते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 8 स्टार्ट मेन्यू। तो स्टार्ट मेन्यू विंडोज 8.1 में नहीं था, बाद में इसे सुधार कर विंडोज 10 में लाया गया है। स्टार्ट मेन्यू आप लोग जानते हैं इमेज में आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हम हमारे ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैलकुलेटर ये सभी चीजें हमारी जिसमें शो होती है, जिसे हम कहते हैं स्टार्ट मेन्यू, इसको आप इमेज में देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है टास्क व्यू। तो टास्क व्यू हमारा होता है अगर आपने कई सारे एप्लीकेशंस को खोल रखा है, आप एक साथ वर्क करना चाह रहे हैं मतलब कर रहे हैं, एक नया टास्क व्यू उपलब्ध होता है जिसके आप अपने प्रोग्राम के विंडो के बीच में आप इसको स्विच कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक विंडो पर अगर वर्क कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं विंडोज 4 पे डायरेक्ट जाना चाहता हूं, तो आप टास्क व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो आपका इस तरीके से शो होगा सारी की सारी स्क्रीन और आप डायरेक्ट अपने माउस से क्लिक कर आप पांचवी वाली स्क्रीन पर आप जा सकते हैं। तो ये होता है हमारा टास्क व्यू। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10 मल्टीपल डेस्कटॉप। अगर आप कहीं प्रोजेक्ट अलग अलग आप अपने प्रोग्राम का उपयोग करते हुए एक साथ कहीं कार्य करते हैं तो आपको डेस्कटॉप को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसकी वजह से आप अपनी सभी चीजों को एक साथ सुंदरता से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप जैसे एक डेस्कटॉप से आप कहीं दूसरा अपना पर्सनलाइज डेस्कटॉप बनाना चाहते हैं तो विंडोज 10 के अंदर ये फीचर आपको मिलेगा जो कि मल्टीपल डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं आपको 3 पिक्चर शो हो रही है और नीचे आपके टास्क बार के जस्ट ऊपर एक बार खुल रही है जिसके अंदर आपको डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2 डेस्कटॉप 3 की तरह आप वर्क कर सकते हैं। अब इसके बारे में आता है पॉइंट नंबर 11 माइक्रोसॉफ्ट एज। इसके बारे में हम आपको काफी बार बता चुके हैं कि विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर है वह हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक ऐसा पहला ब्राउजर है जो आपको सीधे ही वेब पेज पर नोट लिखना तथा डूडल तथा वेब पेज पर हाईलाइट करने में समर्थन देता है। आप इसका आइकन देख सकते हैं, आपको इमेज में दे रखा है ई इसका शॉर्टकट आइकन है। आपने विंडोज की जो टास्क बार होती है उसके ऊपर ऐसा आइकन देखा होगा विंडोज 10 के अंदर, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 12 विंडोज स्टोर। आप लोग सब जानते हैं, आपने इमेज में देख लें, इसमें हम वीडियोस गेम्स एप्लीकेशन वगैरह बहुत सारी कुछ चीजें आप एक तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि एंड्रॉइड फोन के अंदर प्ले स्टोर होता है, वैसे विंडोज 10 के अंदर भी एक प्ले स्टोर होता है जिसका नाम हम विंडोज स्टोर बोलते हैं। इसका आप इमेज देख सकते हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर 13 कॉर्टाना। तो कॉर्टाना हमारा एक वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है जो कि विंडोज 10 के अंदर लॉन्च किया गया है। ये हमारे सर्च बॉक्स की तरह कार्य करता है, आप इमेज में देख सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ भी बोलना है आप बोलकर भी टाइप यहाँ पर करवा सकते हैं। इसे फीचर को हम बोलते हैं कॉर्टाना, जो कि आपके विंडोज 10 के अंदर एक इंक्लूड किया गया है।
अब आता है विंडोज 10 के बेसिक एप्लीकेशन यूटिलिटी, जिसमें सबसे पहला आता है कैलकुलेटर, जो कि आप लोग जानते हैं जोड़ने घटाने के काम में आने वाला भाग, जो हमारा कैलकुलेटर होता है, आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। फिर बात करते हैं मैथ इनपुट पैनल, जो कि इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक फीचर है जिसका नाम आपको याद रखना है, मैथ इनपुट पैनल होता है, आप इसकी इमेज देख सकते हैं। ये इस तरीके से इसका एक ये ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसके द्वारा आप अपने मैथ्स के फॉर्मूलेस वगैरह टाइप कर सकते हैं और आप इसको अपने डॉक्यूमेंट में भी ऐड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं स्निपिंग टूल की, तो स्निपिंग टूल हमारी स्क्रीन पर किसी भी ऑपरेट का स्क्रीन शॉट व स्क्रीन कैप्चर को कर सकता है, मतलब अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं उसका हमें उसको स्क्रीन शॉट चाहिए, स्निप चाहिए, तो आप वो स्निपिंग टूल की हेल्प से आप इसे यूज में ले सकते हैं। जो कि इसके स्निपिंग टूल के जो टाइप्स हैं, फ्री फॉर्म स्निप होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, विंडोज में होता है, फुल स्क्रीन स्निप में होता है। तो ये थे हमारा स्निपिंग टूल। अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 4, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडोज मोबिलिटी सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जिसके अंदर आप अपने कंप्यूटर की आवाज, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन, डिस्प्ले की ब्राइटनेस आदि को एक्सेस कर सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं ये सभी जो आपको चीजें दिख रही है, आप वो सभी इसके अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर सेटिंग कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं विंडोज मोबिलिटी सेंटर। ये RECT एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि ब्राइटनेस भी हम सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस, वायरलेस नेटवर्क व स्क्रीन रोटेशन और एक्सटर्नल डिस्प्ले, सिंक्रोनाइज सेंटर, ये सभी फैसिलिटीज आपको जो प्रोवाइड कराता है वो होता है हमारा विंडोज मोबिलिटी सेंटर। अब आता है पॉइंट नंबर 5, पैंट। तो पैंट के बारे में हम लोग जानते हैं, ये ड्राइंग करने के काम में आता है, आप इसकी इमेज देख सकते हैं जिसके अंदर आप ड्राइंग को बना सकते हैं और डिजिटल पिक्चर को भी मैनेज कर सकते हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर 6, सिस्टम टूल की मदद से आप अनावश्यक फाइल को डिलीट कर सकते हैं, डिस्क डीफ्रेगमेंटर की परफॉर्मेंस को भी इससे बढ़ाया जा सकता है, आप इमेज में देख सकते हैं। डीफ्रेगमेंटर हमारी बेकार की फाइलों को हटाने के काम में आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम टूल का वर्क क्या होता है। अब आता है नेक्स्ट, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड पाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसमें आपको एक URL दे रखा है dfmtutorialholiday.bmp, हम तो इसको एक एक के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है D, तो D हमारा होता है ड्राइव का नेम, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में जब भी हम माय कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उसके अंदर C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव होती है, जिसको हम जो पहले हमारे स्टार्टिंग का जो होता है हम उसको ड्राइव का नाम बोलते हैं। फिर आता है हमारा सेकेंड FM, तो FM हमारा ड्राइव D के अंदर जो सबसे पहला जो फोल्डर होता है उसको हम टॉप लेवल फोल्डर बोलते हैं। फिर बात करते हैं ट्यूटोरियल की, थर्ड पॉइंट, तो ट्यूटोरियल सब फोल्डर होता है, जो भी हमारा टॉप लेवल फोल्डर के अंदर अगर एक और फोल्डर हम बना देते हैं जिसे हम सब फोल्डर बोलते हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर 4, holiday.bmp, तो ये यहाँ पर आपको कैसे पहचानेंगे कि ये आपका एक फाइल का एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर आपको .bmp लिखा गया है जिससे आप पहचान सकते हैं ये हमारी एक फाइल का पाथ है। तो मैंने आपको पूरा फाइल जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो पाथ होता है वो आपको समझा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे समझना है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं और मेरे ब्लॉग पेज पर भी जाकर पूछ सकते हैं। अब आता है रिसाइकल बीन, तो रिसाइकल बीन के बारे में हम जानते हैं, हम हमारे कंप्यूटर में कोई भी चीज को अगर डिलीट कर देते हैं तो वह स्टोर हमारे रिसाइकल बीन में हो जाती है, जिसे हम वहां से अगर हम डिलीट करेंगे तो वह फाइल परमानेंटली वहां से डिलीट हो जाती है। आपको रिसाइकल बीन ध्यान रखना है, फोल्डर से जो डिलीट करें फाइलों को स्टोर करके रखता है। और ये भी ध्यान रखना है, अगर हमारे को रिसाइकल बीन में अगर फाइल को नहीं भेजना है, हमें डायरेक्ट डाउनलोड मतलब डायरेक्ट को फाइल को डिलीट करना है, परमानेंटली रिसाइकल बीन में नहीं जानी चाहिए, तो हम शिफ्ट के साथ में डायल बटन को प्रेस करते हैं। फिर आता है एंटीवायरस, तो एंटीवायरस के नाम है नॉर्टन है, अवेरा है, क्विकल है, कैस्पर स्काई है, और ये हमारे सभी एंटीवायरस होते हैं। और विंडोज 10 के अंदर जो बिल्ट इन एंटीवायरस है विंडोज डिफेंडर है, मैंने इनकी इमेजेस आपको बता दी है, आप इनके आइकन से भी पहचान सकते हैं ये हमारे एंटीवायरस होते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे को जरूर से जरूर लाइक भी दीजिए, और अपने जो फ्रेंड आपके RECT पेपर देने जा रहे हैं उनके साथ में मेरा ये वीडियो जरूर से शेयर करें ताकि उनको काफ़ी हेल्प मिल सकें। दोस्तों अगर आपको कोई भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे ब्लॉग पेज पर जाकर आप इंग्लिश के अंदर इसका वीडियो का कंटेंट आपको पूरा का पूरा वहां पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरा चैप्टर नंबर 4 का वीडियो आने से पहले आप काफ़ी अच्छे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, ताकि मैं और भी वीडियो आपके सामने रख सकूँ।